Hey everyone, I welcome you all to our first lecture of Forex. Well, ये एक ऐसा chapter है जहाँ पे every student, you ask any student and the answer will be very simple. अरे sir, बहुत difficult है ये. So बहुत जन Forex को छोड़ते हैं. But remember one thing, this obviously my next statement will be what? Yes, it is a very easy chapter and indeed it's a very easy chapter. The reason behind this becoming difficult for every student is that they always try to rectify the sums. वो सब रट्टा मारेंगे, ये डॉलर ये पाउंड है, इसको कन्वर्ट करो. तो जैसे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया वो वैसे ही करेंगे. The main agenda of learning this chapter is to understand the basics. अगर आपका इस चैप्टर का फाउंडेशन क्लियर है ना, बिकॉज ये फॉरेक्स आपने पहले कभी नहीं किया है, अपन ने फाउंडेशन में कुछ नहीं किया है, इंटर में देयर वाज नथिंग इन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन योर फाइनल लेवल फॉरेक्स इज द फर्स्ट चैप्टर विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू यू. और एक बात, अगर आप ये वीडियो पहला देख रहे हो, मतलब अगर आपका फाइनल का सिलेबस आप शुरू कर रहे हो और अगर आप ये वीडियो पहला देख रहे हो, तो मेक श्योर आपका डेरिवेटिव ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है लिटिल बिट. ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली यहां पे आ रहे हो फॉरेक्स पे, प्लीज डोंट डू लाइक दैट. डेरिवेटिव कंप्लीट करो एंड देन स्टार्ट विद दिस फॉरेक्स. नाउ वेल, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर. मेक श्योर यू आर राइटिंग एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली एंड जितना भी मैं सॉल्व करूंगा, जितना भी मैं लिखूंगा, वो आप प्लीज आपके जहन में उतारो. ऐसा नहीं है सिर्फ रटना मारा, हाँ लेक्चर खत्म हो गया अभी मुझे मालूम है. नो, रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट टू थ्री लेक्चर आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज अगर आपको इसका बेसिक पता चला ना फॉरेक्स का, पूरा मक्खन है आगे, इट इज ऑल बटर स्मूथ. Having said this, you should understand whatever is happening in this lecture. Okay? Now, without wasting any further time, let us start with this. The main point is, आपको कुछ signs आने चाहिए, currency signs. Dollar कैसे होता है, कैसे दिखता है, pound कैसे होता है, pound sterling कैसे होता है, आपका euro कैसे होता है, Australian dollar, Swiss and all that stuff. अपन वो करने वाले इसमें. So, एकदम basic से शुरू करते हैं. Remember, forex stands for what? एकदम बेसिक, फॉरेन एक्सचेंज. अगर आगे लिखूं मैं तो आई राइट हियर रेट्स. व्हाई आर वी लर्निंग दिस एट दिस लेवल? रिमेंबर वन थिंग, देयर इज ऑलवेज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी. बहुत जन शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, बहुत जन कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हैं, बट बहुत जन फॉरेक्स में भी ट्रेड करते हैं. हैविंग सेड, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग इन द फर्स्ट प्लेस फॉर फॉरेक्स. Forex is not a common man's game. कि हाँ बाबा इस पे जाके पैसा लगाया, हाँ मुझे मालूम है डॉलर बढ़ने वाला है. नहीं बॉस, यू शुड हैव नॉलेज एंड दैट इज वॉट यू आर सीकिंग दिस टूडे. सिंपल. रिमेंबर वन थिंग, जहां पे आपको लग रहा है कि यहां पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है, मतलब आपको लग रहा है कि यार ये डॉलर इस रेट पे होना चाहिए था, उस रेट पे नहीं है, यस आप वहां पे प्रॉफिट कमा सकते हो. सो इन दिस फुल वीडियो बेसिक ले रहा हूं मैं, अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, बिकॉज इन दिस फर्स्ट लेक्चर आपका सिर्फ रेट आइडेंटिफाई करना, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको, वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो स्टार्टिंग फर्स्ट, वी अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट नोन एज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट. रिमेंबर वन थिंग, आज के लेक्चर में वी अंडरस्टैंड दिस, दिस इज द वन थिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट. और एक चीज सीखेंगे, उसको अपन बोलते हैं बेस करेंसी और इंसिडेंटल करेंसी. बट फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एंड देन वी गो अहेड. ओके, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, पहले वहां से शुरू करते हैं. फर्स्ट वी स्टार्ट ऑफ विद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कोट. पहले अपन डायरेक्ट कोट का मतलब क्या है वो देखेंगे, उसके बाद अपन आगे जाएंगे. ठीक है, सो फर्स्ट राइट डाउन मीनिंग ऑफ व्हाट इज डायरेक्ट कोट. मीनिंग ऑफ व्हाट इज डायरेक्ट कोट. नाउ अगर मैं आपको एक सिंपल चीज पूछू यार, जब भी फॉरेक्स पिक्चर में आता है, हमेशा इंडियन मैन, इंडियन पर्सन क्या करेगा यार, वन डॉलर इज इक्वल टू हाउ मच रुपीस. तो अपन वही करते हैं. सो सी, रिमेंबर वन थिंग, एक सिंपल, वन यूएस डॉलर इज अप्रोक्स आई थिंक 75 रुपीस जो चल रहा है. तो मुझे एक बताओ, ये अपने को मालूम है, अपन कभी भी कोट देखते ना, कभी अगर डॉलर में कुछ आता तो अपन लेग्स कन्वर्ट करके देखते रहिए इसका कितना रहेगा. So this is simple. Baba, one US dollar
$1 is how many rupees? 75 rupees. This is known as a direct quote. क्यों सर ऐसा इसको क्यों बोलते डायरेक्ट कोट? डायरेक्ट कोट का एक सिंपल रूल है, वो रूल ये है आपका जो फॉरेन करेंसी है वो कांस्टेंट होता है। मुझे एक बताओ अभी ये जो इक्वेशन लिखा है मैंने, ये जो कोट लिखा है इसमें फॉरेन करेंसी क्या है? अज्यूमिंग दैट यू आर स्टेइंग इन इंडिया, सीधी सी बात है डॉलर है, डॉलर इज ए फॉरेन करेंसी टू यू, तो फॉरेन करेंसी इज कॉन्स्टेंट। रिमेंबर मैं यहां पर लिख रहा हूं दिस इज कॉन्स्टेंट and this is varied. What is varied? Variation. अरे भाई साहब आज 75 है कल 76 बनेगा 74 बनेगा, मुझे एक बताओ ये चीज चेंज होने वाला है क्या? कभी भी नहीं। इट विल ऑलवेज बी कोटेड अगेन $1 इज इक्वल टू सो एंड सो, ये जो सो एंड सो है ना ये चेंज होगा एवरी डे। इसका ही मतलब क्या है? वो वेरिएशन में चल रहा है। So boys and girls and boys, direct quote का मतलब क्या होता है? Direct quote में सिंपल फंडा है, जो foreign करेंसी है वो क्या है? Constant है। और जो होम करेंसी है, कौन सा वर्ड यूज किया मैंने? होम करेंसी मतलब क्या? डोमेस्टिक करेंसी। इंडिया के लिए डोमेस्टिक करेंसी क्या है? रुपीज। वो हमेशा वेरी करते रहता है, दिस ऑलवेज चेंजेस। आर वी कूल ऑन दिस? नाउ राइट दिस, ओके प्लीज राइट इट। इफ foreign currency, if foreign currency is kept constant and home currency is varied, it is called as a direct quote. I hope everyone is very simple. Remember one thing, keep it very simple, boss. So if I'm asking you the next lecture, what is a direct quote? Direct quote mein tumko immediately kya strike hona mangta? $1 is 75 rupees. Apne India mein US dollar kya hai? Foreign currency hai. So the foreign currency is always kept constant. Now मुझे ये और एक चीज बताओ, सर ये हमेशा US dollar ही रहता है क्या? नहीं बॉस। Now tell me one thing. Example लिखते हैं यहाँ पे of direct quote. Now tell me one thing. £1 is ₹97 approx. ये क्या है? ये भी direct quote है। क्यों direct quote है? Because भैया foreign currency क्या है इंडिया के लिए? जो बाहर का है रुपीज छोड़ के सब फॉरेन करेंसी है। अभी ये मैंने पाउंड निकाला है, ये पाउंड फॉरेन करेंसी है। क्या वो कांस्टेंट है? कांस्टेंट का मतलब क्या है? एक। हाँ वो कांस्टेंट है। क्या चेंज होने वाला है? ये चेंज होगा, आज 97 है कल 94 होगा, 93 होगा, 98 होगा, दैट इज एट वेरिएशन। सो दिस इज ए डायरेक्ट कोट। कूल। नाउ और एक लिखो एग्जाम्पल, फिर आगे जाएंगे अपन। €1 इज इक्वल टू रुपीज 81. Even this is a direct quote. Make sure, मैं क्यों लिख रहा हूं ये? Because make sure you understand what is this. आगे जाके पूरे sum से, बड़े वाले sum से यही use होता है. So this is sterling, pound sterling. This is euro. ऊपर जो draw किया था ये क्या है? ये आपका US dollar है. अगर यहाँ पे मैंने A लिखा तो वो बन जाएगा Australian dollar. Okay? Now आप एक अंदाज लगा सकते हो अगर ये direct quote का मतलब है, indirect quote का मतलब क्या होगा? Indirect quote में आपका जो डोमेस्टिक करेंसी है, आपका जो होम करेंसी है वो कांस्टेंट है बॉस, और फॉरेन करेंसी वेरी हो रहा है। सिंपल। देखो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट कोट मतलब मुझे एक बताओ, इनडायरेक्ट कोट आप कैसे लिखोगे? सो लेट अस से वन थिंग, one rupees is equal to how many dollars? Let us say something very negligible, 0.016, somewhere like this. But dekho na bhaiya, agar $1 is equal to this much 75 rupees, so 1 rupaya ka kitna dollar hoga? Negligible होगा, 0. बट मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, दिस इज अ इनडायरेक्ट कोट। व्हाई दिस इज इनडायरेक्ट कोट? बिकॉज
this is your home currency and that is constant, and this is your foreign currency which is at variation. So agar aapko main puch raha hu ki direct quote aur indirect quote how to identify, pehle ye identify karo tum kaun se country mein ho. Remember one thing, aisa nahi hai ki hamesha aapko question mein ye diya jayega ki tum India mein hi ho, nahi. अगर आपको यह बोला जाता है कि आप लंदन में हो तो आपका होम करेंसी क्या हो गया, पाउंड हो गया. तो आपको वैसे आइडेंटिफाई करना होगा. अभी मैं सभी एग्जांपल्स में क्या अज्यूम कर रहा हूं कि हम लोग इंडिया में हैं. इंडिया के लिए होम करेंसी इज योर रुपीस एंड द फॉरेन करेंसी जो भी रुपीस छोड़ के वो आपका फॉरेन करेंसी है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सिंपल. नाउ इसमें और एक चीज करते हैं, उसके बाद हम आगे जाते हैं. थर्ड पॉइंट, relationship between direct quote and indirect quote. बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, एक दो दो मार्क के लिए. सो इट्स वेरी सिंपल बॉस. सो डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू वन अपॉन इनडायरेक्ट कोट. अगर आपको पूछा जाता है और यह पूछा जाता है कि प्लीज एक काम करो, डायरेक्ट कोट पहले आइडेंटिफाई करो है क्या नहीं है, उसके बाद उसका रिलेशनशिप बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू डू जस्ट वन अपॉन दैट आंसर, दैट इज वन अपॉन इनडायरेक्ट, दैट इज रिलेशनशिप, उनका इक्वेशन. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो अटेंशन. अपन सब बेसिक्स कर रहे हो, वी आर डूइंग ऑल द बेसिक्स. द फोर्थ पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस करेंसी. रिमेंबर वन थिंग, दो टाइप के करेंसी होते मार्केट में. जो आपको कोट दिया जाता है वो कोट आइडेंटिफाई करने के लिए यह कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. Base currency is that currency which is being bought and sold, which is always the left hand side currency. Example, अभी मैंने आपको यह दिया था $1 75, मैं यही लेता हूं नीचे $1 is equal to rupees 75. अगर आपको ऐसा देखो, कोट कभी भी सिंगल नहीं रहता है, कोट कभी भी ऐसा होता है 75 77. बट वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आई कम टू दैट. मुझे अभी सिर्फ आपको बेस करेंसी क्या है वो आपके दिमाग में डालने का है. सो बेस करेंसी एक ऐसा करेंसी होता है विच इज बींग बॉट और सोल्ड, एंड विच इज दैट करेंसी, दिस इज दिस करेंसी जो यहां पर होता है. सो रिमेंबर वन थिंग, एक काम करो यहां पर लिखो, in case of currency market, two currencies are involved. Two currencies are involved. जैसे अभी ऊपर ही है, क्या ये डॉलर और क्या है रुपीज है. टू करेंसीज आर इन्वॉल्व. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, it becomes very important to understand which currency is being bought or sold. अरे भाई साहब मालूम होना मांगता ना कौन सा करेंसी सेल हो रहा है, कौन सा परचेज हो रहा है, बिकॉज दो दो करेंसी इन्वॉल्व है उसमें, डॉलर भी है रुपीस भी है. दैट इज व्हाई वी नीड टू आइडेंटिफाई बेस करेंसी. नेक्स्ट, एंड द करेंसी विच इज बींग बॉट और सोल्ड is known as the base currency.
भाई साहब जो बाय एंड सेल हो रहा है बेसिकली इट इज दिस करेंसी, ये करेंसी को अपन क्या बोलते हैं, बेस करेंसी बोलते हैं। ओके आई टेल यू व्हाट इज दिस, सिर्फ मुझे आपके दिमाग में से अभी तक मैंने कितने चीजें डाली है, तीन। डायरेक्ट कोड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनडायरेक्ट कोड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और बेस करेंसी का मतलब क्या है। बेस करेंसी इज दैट करेंसी विच इज बींग बॉट और सोल्ड इन द मार्केट, इतना मैंने आपको अभी बोला है, ठीक है। नाउ राइट नाउ वन मोर थिंग, फिफ्थ पॉइंट आज का, दिस इज बेसिकली हाउ टू रीड अ कोट। ओके सो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू रुपीज 75 and 77, तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस, रिमेंबर ये जो करेंसी है दैट इज योर बेस करेंसी, दिस इज ऑलवेज योर बेस करेंसी, दिस इज नोन एज योर इंसिडेंटल करेंसी, दिस इज नोन एज योर इंसिडेंटल करेंसी, दिस इज नोन एज योर बिड रेट, इसको बिड रेट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आस्क रेट, इसको बोलते हैं आस्क रेट। रिमेंबर वन थिंग, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको अपन बोलते हैं स्प्रेड। किन दोनों का डिफरेंस, बिड और आस्क रेट का। सो बेसिकली अगर आपको सिंपल टर्म्स में अगर मुझे लिखने का ये, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज योर बाइंग रेट एंड दिस इज नोन एज योर सेलिंग रेट, ये आपका सेलिंग रेट है। ओके नाउ पांच पॉइंट्स किए अपन ने, रिमेंबर वन थिंग, अभी तक अपन ने सम शुरू नहीं किए और मुझे और भी कंसेप्ट्स आपको बताने का है। रिमेंबर वन, मार्केट में कभी भी रूल्स होते हैं ना। मुझे एक चीज बताओ यार, इवन अगर जब अकाउंट्स भी आप करते हो तब अकाउंट एक स्टैंडर्ड पिक्चर में है, सो बेसिकली आप जब फॉरेक्स भी कर रहे हो मार्केट के कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है, तो अपन एक चीज करेंगे, एक एक रूल दिखेंगे अपन। फर्स्ट इसको अपन बोलेंगे थंब रूल्स, तो जहां पे भी मैं थंब रूल बोलेगा वहां पे आप प्लीज एक स्टिक नोट लगा के रखो कि ये थंब रूल वन है, ये थंब रूल टू है एंड सो ऑन। सो थंब रूल वन, एंड व्हाट इज दैट, मार्केट्स मार्केट्स गिव्स लेस बट टेक्स मोर, बट टेक्स मोर, कुछ समझा गया। देखो भाई साहब, अगर तुम कुछ जाके बेचोगे, कुछ जाके सेल करोगे, मार्केट तुमको कभी भी कम ही देगा, बट अगर तुमको जाके कुछ खरीदने का है मार्केट तुम्हारे से पैसा ज्यादा लेगा। ये मार्केट का सेट रूल है। सो व्हाट इज द थंब रूल, दिमाग में डालो, मार्केट्स ऑलवेज गिव्स लेस। कब तुमको कम देगा, जब तुम कुछ बेचोगे। अगर तुमको कुछ खरीदने का है तो भाव बढ़ाया जाएगा, कॉमन रूल। सो ये आपका पहला थंब रूल हुआ, ये अपन यूज करेंगे, ये अभी मैं सम सॉल्व करने वाला, यूज करेंगे अपन, ठीक है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, कुछ होमवर्क आपको आई वांट टू गिव, नॉट होमवर्क, वी विल सॉल्व इट नाउ ओनली एंड देन आई विल गो ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके सो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको यहां पे, सो प्लीज आइडेंटिफाई करो, आई विल ओनली डू इट क्वेश्चन। नाउ रिमेंबर वन थिंग, आपको इसमें क्या करने का, जस्ट सिंपली आइडेंटिफाई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोट है, आइडेंटिफाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट, सिंपल। आपको कुछ मैं देता हूं, एक बार लिखो एंड देन विल गो फॉरवर्ड। फर्स्ट रुपीज 97.11 इज इक्वल टू 1 pound sterling। मैं सब लिखता हूं फिर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 1 pound sterling इज इक्वल टू रुपीज 97.11। नेक्स्ट, रुपीज 7.85 इज इक्वल टू 1 Swiss krone। Swiss krone इज अ फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट, रुपीज
198.89 is equal to 1 Omani Rial. Omani Rial. आपको ऐसा पूछा गया है कि आप आइडेंटिफाई करो कि ये डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट है, अज्यूमिंग वी आर इन इंडिया. ओके, नाउ ऑब्वियसली अगर लाइव क्लास होता तो मैं आपको लाइव बात कर सकता, तो मैं आपको पूछ सकता हूं, बट नाउ इट विल नॉट मेक एनी सेंस ऑफ वेटिंग बिकॉज आई नीड टू आंसर दिस नाउ टू यू इमीडिएटली. बट आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद आप सोचो कि इसका आंसर क्या है और फिर आप वीडियो को प्ले कर सकते हो. ओके, एंड देन यू कैन क्रॉस चेक द आंसर्स. सो रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट जो है आपका 1 pound इज रुपीज 97.11. अरे भाई साहब, डायरेक्ट कोट का मतलब क्या होता है? फॉरेन करेंसी कॉन्स्टेंट है. ये पहले वाले कोट में फॉरेन करेंसी क्या है? ये पाउंड है क्या कॉन्स्टेंट? हाँ कॉन्स्टेंट है ना, वन दिखा रहा है वो. सो दिस इज ए डायरेक्ट कोट, दिस इज ए डायरेक्ट कोट. सिंपल. सेकेंड वाले को, सेकेंड वाला मैंने सिर्फ क्या किया है, यहां पर इंटरचेंज किया है, यही मैंने अलग लिखा है मैंने सिर्फ. यहां पर भी आप चेक करो क्या फॉरेन करेंसी कांस्टेंट है. कांस्टेंट है, देखो ना, 1 pound दिख रहा है, रुपी ऐसा लिखा है, रुपी चेंज होगा, पर ये तो 1 ही दिख रहा है ना यहां पे. 1 का मतलब क्या है? कांस्टेंट है. तो भाई साहब ये भी क्या है? इवन दिस इज ए डायरेक्ट कोट. सिंपल. थर्ड, 1 Swiss crony इज 7.85. भाई साहब ये कांस्टेंट है, 1 Swiss crony, ये 1 दिख रहा है यहां पर. तो ये भी क्या है आपका आंसर? डायरेक्ट कोट. एंड ऑब्वियसली लास्ट आंसर भी आप देख चेक करोगे, यहां पे 1 Omni Rial है, 198.89, एंड इवन दिस इज कॉन्स्टेंट एंड इवन दिस इज योर डायरेक्ट कोट. सभी का आंसर क्या है? डायरेक्ट कोट है. आपको सिर्फ 1 देखने के कहां पे, 1 अगर फॉरेन करेंसी है वो कॉन्स्टेंट है, दैट इज ए डायरेक्ट कोट. एज सिंपल एज दैट. अगर मैं आपको यह बोलता हूं अभी, मुझे इसका इनडायरेक्ट कोट का भी रिलेशनशिप चाहिए. एग्जाम्पल हाउ? तो फॉर फर्स्ट स्टार्टर, 1 pound इज 97.11. अगर मैं आपको यह पूछता हूं 1 rupees, 1 rupees इज हाउ मच पाउंड, तो मैंने आपको लिख के दिया ना, डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1/indirect कोट. तो आप क्या करोगे यहां पे मुझे बताओ? 1/97.11 करोगे, उसका आंसर कितना आता है? सो 1 rupees इज इक्वल टू हाउ मच, कितना आता है पाउंड? 0.01029. ये इसका इनडायरेक्ट कोट है. आई होप आपको यह समझ में आया. सिंपल है, डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1/indirect कोट. सेकंड वाले का आंसर कितना आएगा? सेम ही आएगा, 1 rupees इज इक्वल टू पाउंड 0.01029. नेक्स्ट, 1 divided by 7.85, सो 1 rupees इज इक्वल टू 0.127. क्या है ये? स्विस क्रोनी है. और यहां पे कितना आएगा? 1 rupees इज इक्वल टू 1/198.89. कितना आता है आंसर? 0.0050. ये अगर ये सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपको पूछा जाता है तो कि भाई साहब रिलेशनशिप क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट में, तो प्लीज कंप्यूट इनडायरेक्ट कोट. तो आप क्या करोगे? सीधा 1/ जो भी आंसर वो करोगे, आपको उसका इनडायरेक्ट कोट भी मिल जाएगा. सिंपल. आई होप अभी तक आपको यह समझा रहेगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट. इट्स वेरी सिंपल. ओके, नाउ और एक कंसेप्ट है जो मुझे अभी के लेक्चर में लेने का है, एंड दैट इज व्हाट इज दिस. जो HGPE के स्टूडेंट्स है फाइनल लेवल के, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा. सिंपल होमवर्क रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड का, तो प्लीज आप मुझे सॉल्व करके आज ही भेज दो. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो बहुत भारी कंसेप्ट है, बहुत ही भारी कंसेप्ट है. और ये कंसेप्ट के लिए, ये जो क्रॉस रेट है, ये कंसेप्ट के लिए भाई साहब तुमको डायरेक्ट कोड, इनडायरेक्ट कोड, बेस करेंसी, इंसिडेंटल करेंसी, ये सब दिमाग में जाना चाहिए. आज के लेक्चर का यही इंटेंशन था मेरा, क्रॉस रेट सिखाने के लिए आपको पहले बेसिक सिखाया मैंने. ठीक है, नाउ पे अटेंशन, पहले कुछ हिस्ट्री जान के लेते हैं, फिर आई गो फॉरवर्ड. तो लेट अस से यू वांट टू गो टू द यूएस, आपको यूएस फ्लाइट पे से जाने का. तो भाई साहब बहुत रेयर कंडीशन ऐसा रहेगा कि जहां पे आपको मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट मिलता है कहां पे, स्टेट्स को. वेरी रेयर, कभी भी आपको कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं मिलेगा, आपको कहां पे तो रुकना ही पड़ेगा, उसको हम लेओवर बोलते हैं. सो मुझे एक चीज बताओ यार, अगर आपको कुछ करेंसी कन्वर्ट करने का है,
So, जिस कंट्री पे आप जाना चाहते हो, जहां पे भी कन्वर्ट करना चाहते हो, अरे बहुत रेयर होगा यार कि जहां पे आपका कोड और उसका कोड मैच हो रहा है. एग्जाम्पल, लेट अस से मुझे एक रेयर कंट्री में जाने का है जो किसको भी मालूम नहीं है, वेरी उगांडा ऐसा जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे मालूम है बट रेयर एकदम उगांडा में जाने का है. और मैं भाई साहब ये जाके बैंक को दिमाग फोड़ रहा हूं कि यार मुझे करेंसी तो दो, रुपीज वर्सेस उगांडा का करेंसी, अरे नहीं मिलेगा यार. सो ऐसे बहुत से सिचुएशंस होते हैं कि जहां पे आपको जो करेंसी चाहिए वो कोटेड नहीं होता है. अभी मुझे एक बताओ, पूरे दुनिया में जो फेमस करेंसीज है, यूएस डॉलर, पाउंड, यूरो, ये फेमस है, दीज आर ऑलवेज कोटेड अगेंस्ट ईच अदर, वो होते ही है कोटेड. बट जो रेयर करेंसीज है जो आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फेमस वाले करेंसी में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो करेंसी फिर उस करेंसी के साथ मैच करना पड़ेगा. इसको ही, इस फंडे को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस रेट. पहले कुछ लिखते दो तीन पंक्तियां और फिर अपन आगे जाएंगे, ठीक है. मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लूंगा, आपको एक ही क्वेश्चन में पूरा क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है. चलो, ऑल द करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड may not be quoted against each other. May not be quoted against each other. But they are quoted against some currency. They are quoted against some currency, like जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, फेमस क्या है, यूएस डॉलर, यूरो, और उसके बाद पाउंड, एक्सेट्रा. इस करेंसी अगेंस्ट वो कोटेड होते हैं, बट डायरेक्ट नहीं होगा, रुपीज और वो करेंसी नहीं होगा, रुपीज के बीच में डॉलर रहेगा, उसके बाद वो डॉलर कनेक्टेड रहेगा वहां पे. सो हाउ टू रीच देयर, वही अपन सीखने वाले हैं अभी. इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो प्लीज. नाउ सेकेंड, टू फाइंड आउट द कोट, टू फाइंड आउट द कोट between the currencies which were not quoted against each other, we eliminate the common currency, ये अपन सीखने वाले अभी, common currency by following the chain rule. Now please pay attention everyone. भाई साहब आपको सीधा एक क्वेश्चन देता हूं, आपको एक ही क्वेश्चन सबको समझ में आएगा, ठीक है. नाउ पे अटेंशन प्लीज. क्वेश्चन, फॉलोइंग आर मुंबई इंटरबैंक एंड London Interbank Rates. वो इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया, देखो मुंबई में रेट क्या है, तो आपको दिया है $1 इज इक्वल टू ₹76.2550 और यहां पे दिया आपको ₹76.2650. लंदन में आपको दिया है $1 इज इक्वल टू FRF, बोले तो फ्रेंच फ्रैंक,
FRENCH, FRANC, that's a foreign currency for France. French franc, ये कितना कोट किया है? 6.0500 और 6.0550. और आपको ये पूछा गया नीचे, at what rate one can buy FRF against rupees. एकदम सिंपल, ये दिस इज द स्टार्टर बेसिक क्वेश्चन. अभी इसमें मुझे एक बताओ, आपको दो रेट दिए गए, एक मुंबई का रेट दिया गया, उस मुंबई में क्या दिखा रहा है? यूएस डॉलर और रुपीज दिखा रहा है यहां पे, और लंदन में क्या दिखा रहा है? यूएस डॉलर और एफआरएफ. और आपको क्या चाहिए मालूम क्या? आपके जेब में रुपीज है, तुम्हारे जेब में रुपीज है, तुमको कौन सा करेंसी मांगता? एफआरएफ चाहिए. और ऐसा रिलेशन है ही नहीं. आपको रिलेशन क्या चाहिए था मालूम क्या? आपको रुपीज और एफआरएफ चाहिए था, जो है ही नहीं कहां पे. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेन बनाना पड़ेगा यूजिंग क्रॉस स्टेट. एकदम आराम से करो, मेरे साथ सॉल्व करो एंड पुट इट डायरेक्टली इन योर हेड. ओके, इट्स वेरी सिंपल. क्या आपको ये तो समझा गया कि आपको करने का क्या है? जेब में पैसा है, कौन सा? रुपीज. आपको चाहिए क्या? एफआरएफ चाहिए. तो वहां तक कैसे पहुंचने का वो अभी अपन देख रहे हैं. ठीक है, सिंपल स्टेप क्या करने का, पहला एकदम आराम से क्या करने का, करेंसी इन हैंड कौन सा है? रुपीज है. करेंसी रिक्वायर्ड आपको चाहिए क्या वो बताओ मुझे. आपको चाहिए एफआरएफ. भाई साहब आपका चेन कैसे बनेगा? आराम से, रुपीज पहले कन्वर्ट होगा किसमें? देखो रुपीज कहां पे? ऊपर. सो रुपीज यहां पे है, रुपीज और डॉलर एक साथ है. सो पहले रुपीज में किसमें कन्वर्ट करेगा? मैं डॉलर में कन्वर्ट करेगा. और क्या डॉलर एफआरएफ के अगेंस्ट कोटेड है? यस, कोटेड है यहां पे. तो मैं डॉलर बाद में किसमें कन्वर्ट करेगा? एफआरएफ. विषय एंड. आपको आराम से रुपीज और एफआरएफ का रेट मिल जाएगा बाय एलिमिनेटिंग कॉमन करेंसी. अरे इसमें कॉमन करेंसी क्या है? देखिए ये कॉमन करेंसी है डॉलर. डॉलर ऊपर भी है, डॉलर यहां पे भी है और यहां पे भी है. अगर मैं ये एलिमिनेट करता हूं तो मुझे भाई साहब रुपीज और एफआरएफ में आमने सामने ला सकता हूं. दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. सिंपल? यस इट इज सिंपल. ओके एकदम. नाउ भाई साहब इसमें आपको एक्चुअल में समझेगा कि तुमको वो रेट समझा है क्या नहीं. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या मुझे बताओ. स्टेप नंबर वन, कन्वर्ट रुपीज इंटू What? डॉलर. कन्वर्ट रुपीज इंटू डॉलर. एक मिनट लाइन नीट मानने दे मुझे. रुपीज इन डॉलर बराबर है क्या? ये रुपीज और डॉलर कोटेड है? यस कोटेड है. ये क्या पहला ही है? वही है ये रुपीज डॉलर. तो मैं पहले क्या करेगा? फर्स्ट आई विल राइट वन यूएस डॉलर. कहां पे रेट है उसका? वन यूएस डॉलर. वन सेक, स्टाइलस का बैटरी डाउन है शायद. इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज? 76 पॉइंट कितना है वो? 76.2550 डैश रुपीज 76 पॉइंट कितना है? 2650. अभी सबसे बड़ा खेल सुनो. अभी व्हाट इज द बेस करेंसी? इस कोर्ट में बेस करेंसी क्या है? बेस करेंसी है यूएस डॉलर. विच करेंसी इज बीइंग बॉट और सोल्ड इन द मार्केट? डॉलर. अरे भाई साहब तुम्हारे जेब में क्या है? तुम्हारे जेब में रुपीज है. तुम रुपीज लेके गए बैंक में, तुम डॉलर क्या करोगे रे? बाय करोगे क्या सेल करोगे? अरे बाय करोगे. तुम बाय करोगे यूएस डॉलर. तुम मुझे एक बताओ, अगर तुम यूएस डॉलर बाय करोगे तुमको सामने वाला सस्ते में देगा क्या महंगे में देगा? पहला थंब रूल क्या है? मार्केट गिव्स लेस टेक्स मोर. अगर तुमको यूएस डॉलर खरीदने का है तो भाई साहब तुमको ये रेट लगेगा क्या? ये रेट लगेगा. कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? अरे ज्यादा लगेगा बॉस. तो आपका रेट क्या फिक्स हो गया यहां पे? टू सिक्स फाइव जीरो. अगर तुम्हारे दिमाग में ये जा रहा है ना अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, Forex is going to be very simple. अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो भाई साहब तुमको वापस ये वीडियो देखना होगा. प्लीज मेक श्योर तुमको ये समझ आए. यही सबसे इंपॉर्टेंट है.
रेट्स आइडेंटिफाई करना। एक्सप्लेन वापस करता हूं मैं, अपने को रुपीस इंटू डॉलर पहले कन्वर्ट करने का है। अरे भाई साहब, इंडिया में अपन जेब में रुपीस भरा है, बट मैं जब कोर्ट जाके देखता हूं तो पहले मैं क्या आइडेंटिफाई करता हूं, बेस करेंसी क्या है। बेस करेंसी का मतलब क्या होता है, द करेंसी विच इज बीइंग बॉट और सोल्ड, वो तो मैंने पहले आइडेंटिफाई किया। कौन सा है वो, ये डॉलर है। ये जो रेट दिया है वो बेस करेंसी के लिए दिया है, यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, कितना है यूएस डॉलर है, तो वही बाय और वही सेल हो रहा है। अभी मेरे पास तो रुपीज है तो मैं क्या करेगा, मैं डॉलर खरीदेगा, खरीदा डॉलर मैंने, अभी जिस टाइम में खरीदेगा उसको रेट कौन सा होगा। अगर मैं खरीद रहेगा तो मार्केट मुझे ज्यादा भाव बोलेगा, कौन सा भाव बोलेगा, 2650 एंड। तो यहां पे ऐसा एक कोट बनाओ मस्त पे की रुपीस अपॉन डॉलर, आर यू गेटिंग दिस सिंपल। नाउ आपका स्टेप नंबर टू क्या है, ए भाई साहब सुनो सुनो, अभी तुम्हारे जेब में क्या है, तुम्हारे जेब में डॉलर है, डॉलर खरीदा तुमने अभी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी कन्वर्ट डॉलर, अपना चेन देखो, चेन देखो भाई साहब, पहले रुपीस टू डॉलर कन्वर्ट किया, अभी तुम क्या कर रहे हो, डॉलर्स इनटू एफआरएफ, कन्वर्ट डॉलर्स इनटू एफआरएफ। अरे सिंपल है रे, सिंपल है, अभी वो रेट लिख के हो पहले जो क्वेश्चन में दिया है, क्या रेट है, ये वाला रेट क्या लिखा है, वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू एफ आर एफ, कितना एफ आर एफ देखो जरा, 6.0500 और 6. कितना है वो, 0550। अभी दिमाग ठंडा रखो, ठंडा ठंडा, जेब में डॉलर है, मैं गया बैंक के पास, अभी मुझे एफ आर एफ को कन्वर्ट करना था, अभी मैं क्या करेगा डॉलर में क्या करेगा, अरे बाबा आई विल सेल, विच इज द बेस करेंसी, ये डॉलर है, विच इज बीइंग बॉट आल्सो, मैं वापस खरीदा गया नहीं, है ना मेरे पास ऑलरेडी डॉलर, तो मैं डॉलर सेल करेगा, जब मैं सेल करेगा तो मुझे रेट कौन सा लगेगा, कम लगेगा क्या ज्यादा लगेगा, अरे कम लगेगा, मार्केट ऑलवेज गिव्स लेस टेक्स मोर, तो गिव्स लेस, तो मुझे भाई साहब ये रेट लगेगा। सो वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू एफ आर एफ 6.0500, रेट क्या लिखने का, एफ आर एफ अपॉन डॉलर, फिनिश फिनिश, खत्म हो गया है, नहीं बचा ही नहीं कुछ अभी। अभी तुमको सिर्फ क्या करने का है, एलिमिनेट करने का है, स्टेप नंबर थ्री, एलिमिनेट कॉमन करेंसी, एलिमिनेट कॉमन करेंसी एकदम आराम से, अरे विच इज द कॉमन करेंसी बॉस, डॉलर है, तो मैं क्या करेगा, जो मैं ये साइड में लिख रहा हूं ना, ये लिख रहा हूं मैं यहां पे, ये लिख रहा हूं यहां पे, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो क्यों लिख रहा हूं, देयर इज अ रीजन फॉर दैट, टाइम पास के लिए नहीं लिख रहा मैं, अभी सुनो मैं क्या करने वाला, डॉलर मुझे उड़ाने का है, तो मैं पहले क्या करेगा, यहां पे जो ऊपर लिखा है रुपीज अपॉन डॉलर इंटू एफ आर एफ अपॉन डॉलर, अरे क्या डॉलर डॉलर उड़ सकता है यहां पे, नहीं उड़ेगा, कैसा उड़ेगा, वो अपोजिट चाहिए ना, तो मैं क्या करेगा मालूम क्या, रुपीज अपॉन डॉलर इंटू डॉलर अपॉन एफ आर एफ, उसको उल्टा किया मैंने, अगर ऐसा होता है तो ये कट होता है यहां पे, समझ में आ रहा है, अभी काम करो मस्त देखिए, यहां पे रुपीज अपॉन डॉलर का कितना रेट है, तुमने कितना निकाला यहां पे, 76.2650 रुपीज 76.2650 इंटू डॉलर अपॉन एफ आर एफ, मेरे पास एफ आर एफ अपॉन डॉलर, तो मैं इसको उल्टा करेगा, तो कैसे करेगा मैं यहां पे, 1/6.0500 मतलब इसके है रुपीज 76.2650 अपॉन 6.0500, कितना आंसर था देखो, 6.050 इट इज समवेयर राउंड अबाउट 12 समथिंग 12.60 इसका मतलब क्या है, आपका फाइनल रेट क्या हो गया, सो वन एफ आर एफ इज रुपीज 12.60, ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ये क्रॉस रेट है। ओके नाउ रिमेंबर वन थिंग, आपको यही प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट लेक्चर आई ऑल्सो डू द सेम थिंग, दिस लेक्चर इज फॉर पब्लिक व्यूइंग, ये मेरे नॉर्मल लेक्चर्स में से एक लेक्चर है,
सो ऑब्वियसली जो लोग एचजीपी के बाहर से वो आपके लिए एक लेक्चर मैंने सिर्फ पब्लिक किया है. सो इफ यू वांट टू आई मीन हैव द रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स ऑफ फॉरेक्स यू नीड टू एनरोल एट एचजीपी एकेडमी एंड डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह सब कुछ दिया है तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वी विल वेरी हैप्पी टू सेंड यू दीज लेक्चर्स. ओके थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर. प्लीज लाइक ठोको कमेंट डालो एंड प्लीज शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच टेक केयर.